ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ दोस्तों इस वक्त अभी बरनाले कंपलैक्स के पहुंचे हैं। इतने किसानों का जरा धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है भलवाना के हक के अगे दिखाने कि किन्ने किसान इतने संघर्ष के पहुंचे हुए हैं। तुम्हें अगे कंपलैक्स के अंदर ले इस वक्त बरनाला पहुंचे हुए हैं। बरनाला सरकार के खिलाफ किसानों के उपर नजायज माइनिंग के मुद्दे रखते हैं। किसानों के उपर जो नजायज मुकदमे सरकार के वो दर्ज किए गए हैं। विरोध में किसानों के खिलाफ डीसी बरनाला धरना लगाया गया। डिप्टी कमिश्नर बरनाला फिर एक दिन बोलिंग करके बड़े रूप च पैसा बच के इन्होंने आपदिया राजनीतिक लोगों ने सरकार ने आगे ढिड भरने के ना होगा ना हो ने ना हो सकता इस करके जिम्मेदारी है जो संयुक्त मोर्चा सामने जो 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 अस भी कहने भी जो थोड़ू लगता दो दिन चार दिन दोनों जथेबंदियां होर भी मूह कहीं झाक देने कोई गल नहीं जिते गल फरकानी हो जिते एक नौजवान पत्थर में देना हो साथियों सपा दे बिड कट देंगे इन्होंने मेरे पर झाकर की मुकर की लड़ नहीं आपे डीसी उन्नी आऊगी आऊगा बनवाई भजा तहसीलदार इन्होंने दरवाजे के बेचे का बराबर लंबा समा टाइम नहीं खराब करा अगली गल साथी करके गया भी जरा दिल्ली के अंदर अंदोलन चल रहा है ब्रजभूषण के खिलाफ संयुक्त मोर्चा भारत पद्धर से उस बच्चिया की उन्होंने पहलवानों की सपोर्ट कर रहा है उन्होंने मदद कर रहा है उन्होंने शरीर शोषण का जो होया एक पास लोग जो उस दिन देश के भगवत रूप च जी नवी पार्लीमेंट दे रहे की कहते हैं बराइया कनेडी मात जी और बह के सारे सद्या गया और पार्लीमेंट का उद्घाटन किया गया हम साडे देश में सारे चलाओं जड़िया चीजों की जी जानकारी वह दी जाती है साडे सदे सार बहाए जाते हैं पर सार इस करके बहाए गए कि अज पांच तरीक ब्रजभूषण ने देखो कैक्टर कहा गया वर्ल्ड पद्धर से डबल्यू डबल्यू टी ओ जी तुम मोबाइल से देख रहे हो बड़े बड़े बंदे भलवान घोलते हैं उन्होंने ऐलान करता कि हिंदुस्तान की सरकार भारत की सरकार ये कार्रवाई करे नहीं कोई भारत का झंडा लेके किसी कंट्री के अंदर फाड़ का इतिहास है भी जो कहने भी एक पास औरत एक पास जी जमीन है जी सारी भारत
प्रधानमंत्री मोदी यूपी के जो मैंबर पार्लीमेंट ने कशीरगंज तो यूपी के जो कशीरगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने दर्जपुर सिंह उन्होंने किसानों वालों परचा दर्ज करने की जी मंग तेज की जा रही है। उसके संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के जोड़े कशीरगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने उन्हों का पुतला साड़न की तैयारी कर रहे हैं। किसान इतने तकरीबन हजार की गिणती के किसान पहुंचे हुए हैं। काफी नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ
ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਏਕਤਾ ਕਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਨੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ੀਰਗੰਜ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਕਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਜ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਨੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪੱਖਣਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇਵੇਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੂਪਾ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਾਕਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 5-7 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਰੀਗੰਜ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
केसरीगंज तो मैंबर पार्लियामेंट का परचा दर्ज करने की मांग की जा रही है। तकरीबन बड़ी गिनती दे विच जिहड़े किसान ने उह बरनाला दी डीसी कंपलैक्स दे विच पहुंचे हुए ने। दर्शकों नूं दिखा दें धरना प्रदर्शन चल रहा जीती के जेडे बीजेपी के मैंबर पार्लियामेंट ने दर्ज की उन्होंने उपर परचा दर्ज करने की मांग की जा रही है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने पुतला फूकया जाएगा कि जिहड़े बीजेपी के मैंबर पार्लीमेंट दर्ज किए केसरीगंज के मैंबर पार्लीमेंट ने उन्होंने प्रधानों के मसले में लेकर परचा दर्ज करने की पुरजोर मांग की जा रही है। इधर किसानों वालों पंजाब सरकार का भी पुरजोर से विरोध किया जा रहा है जो कि सुनीवाल कलां के किसानों से माइनिंग के मसले में लेकर नजायज परचा दर्ज किया गया वो परचा रद्द करने की पुरजोर मांग की जा रही है। इस डीसी कंपलैक्स बड़ी गिणती के किसान पहुंचे हुए ने जो अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई चाहेंगे कि बड़ी गिणती के जिहड़े किसान ने वो बरनाला की डीसी कंपलैक्स के पहुंचे हुए ने पंजाब सरकार दा ते सेंटर सरकार दा लगातार विरोध कर रहे ने। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जिहड़ा पुतला फूकया जाएगा और जिहड़े केसरीगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने बीजेपी के उन्होंने परचा दर्ज करने की जिहड़ी मांग आ वो पुरजोर की जा रही है। हुण किसान इतों प्रशादा छक के कचहरी चौंक के जाके भारत के प्रधानमंत्री जो बीजेपी के मैंबर पार्लीमेंट ने उन्होंने परचा दर्ज करने की मांग की जाएगी उन्हों का पुतला फूका जाएगा। दोस्तों इस वक्त असं बरनाला की डीसी कंपलैक्स के खड़े हैं। इतने भारतीय किसान यूनियन एकता अकादमी भारतीय किसान यूनियन एकता राज्यवाल के जोड़े किसान उन्होंने वालों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जो कि पंजाब सरकार के खिलाफ है जो कि माइनिंग के मुद्दे लैके किसानों से सीनीवाल कलां के पिंड के हुए किसानों के परचे मंग रू रखते हैं भी उन्होंने जोड़ा परचा वो रद्द किए जा बिना शर्त उन्होंने जोड़े परचे आपस लाए जा बरनाला की डीसी कंपलैक्स के इस वक्त तकरीबन हज़ार की गिणती के किसान पहुँचे हुए हैं। उधर भलवाणा के मुद्दे भी मुख रखद किसानों वालों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जोड़े यूपी तो केसरीगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने उन्होंने पुतला फूकया जाएगा तो पुरजोर जोड़े बीजेपी के मैंबर पार्लीमेंट ने उन्होंने परचा दर्ज करने की मांग रखी जाएगी। बड़ी गिणती के जिहड़े किसान ने बरनाला दे विच पहुंचे हुए ने ते भारत जिहड़े प्रधानमंत्री ने उन्हां दा इस वक्त दूजा किसान ने जिहड़े प्रशादा पानी छक के उन्हां दा पुतला फूकणगे अते नाल ही जो पंजाब सरकार दे वल्लों माइनिंग दे मसलियां नूं रखदे जो किसानां दे उपर परचे दर्ज कीते ने गए ने उन्हां नूं परचियां नूं वापस लैण दी किसानां वल्लों पुरजोर मंग कीती जा रही है। इस वक्त बरनाला दी डीसी कंपलैक्स दे विच हज़ारां दी गिणती दे विच किसान पहुंचे हुए हैं। इस तों बाद कचहरी चौंक दे विच जाके किसानां वल्लों जिहड़ा पुतला भारत के प्रधानमंत्री ते यूपी के जिहड़े केसरीगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने उन्हां दा पुतला फूकया जाएगा। हाँ हाँ जी बेनती है
अज बरनाला दी कचहरी चौंक दी अज जिहड़े यूपी दे केसरीगंज तो ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਰਧ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਰਧ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ इस वक्त सीधी तस्वीरें बरनाला की डीसी कंपलैक्स के विच देख रहे हो बीजेपी के जो मैंबर पार्लीमेंट ने केसरीगंज के मैंबर पार्लीमेंट ने बिरध भूषण उन्होंने का विरोध किया जा रहा है तो परचा दर्ज करने की मांग की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के विच लगातार विरोध हो रहा है यूपी के केसरीगंज तो मैंबर पार्लीमेंट बिरध भूषण से परचा दर्ज करने की जी पुरजोर मांग हो रही है किसानों वालों प्रधानमंत्री मोदी और बिरध भूषण का जरा परचा बिरध भूषण से परचा दर्ज करने की जी मांग है वो पूरी जोर से हो रही है केसरीगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने तो उन्होंने वालों भलवाणा के नाल जो विवाद है तो परचा दर्ज करने की मांग की जा रही है उस तो इस वक्त तुम्हें बरनाला के डीसी कंपलैक्स तो तस्वीर लाइव दिखा रहे हैं जो केसरीगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने बिरध भूषण उन्होंने परचा दर्ज करने की मांग की जा रही है बिरध भूषण का पुतला फूकिया जा रहा है तो नाल ही भारत जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्हों का भी लगातार विरोध किया जा रहा है जो यूपी के केसरीगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने बिरध भूषण उन्हों का लगातार जो विरोध हो रहा है उन्होंने परचा दर्ज करने की मांग की जा रही है केसरीगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने बिरध भूषण उन्होंने लगातार परचा दर्ज करने की मांग हो रही है प्रधानमंत्री मोदी का भी लगातार विरोध हो रहा है बरनाला के कचहरी चौंक के किसानों के वालों पुतला फूकिया जा रहा है तो इस वक्त बरनाला तो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं इतने किसानों वालों जो यूपी के मैंबर पार्लीमेंट ने बिरध भूषण उन्होंने पुतला फूकया जा रहा है नाल ही प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूकया जा रहा है तो किसानों वालों लगातार विरोध किया जा रहा है तो बिरध भूषण को गिरफ्तार करने की मांग है जी रही है मंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार विरोध हो रहा है बिरध भूषण को गिरफ्तार करने की जी मांग है वह तेज हो रही है वो केसरीगंज तो मैंबर पार्लीमेंट ने उन्होंने लगातार भलवाणा के विवाद चल रहा है सो किसानों